हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मेरठ की प्रसिद्ध नान खटाई की रेसिपी, वो भी बिना ओवन बिना कुकर में नमक डाले। सिंपली सिर्फ कढ़ाई में मैंने इसे बनाया है और मैंने किस तरीके से इसे बनाया उसी की पूरी रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे बनाने के लिए एक परफेक्ट माप की ज़रूरत होती है और वो माप मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपकी जरा सी भी वीडियो छूट गई तो आपकी नान खटाई सही से नहीं बन पाएगी। ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है और किसी भी फेस्टिवल पर या कभी मीठा खाने का मन हो तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। और बच्चों के लिए घर पर बनाना कोई भी चीज़ हो तो घर की बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शुद्ध होती है। तो अपने बच्चों को अपने हाथ से बनी हुई नान खटाई ज़रूर खिलाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, इसे पीसकर मैं इसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले डाल दूंगी मैं देसी घी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है। देखिए ये घी का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि ना ही तो पूरा पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा जमा हुआ, तो इस तरीके का घी का टेक्सचर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी घी ले लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं यही वाली कटोरी से, जिस कटोरी से घी लिया है इसी कटोरी से डाल दूंगी मैं डेढ़ कटोरी चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप डेढ़ कटोरी डालिए और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो एक कटोरी में ही आपका सही हो जाएगा। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं डेढ़ कटोरी चीनी यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नमक यहाँ नहीं डाला। अभी मैंने डाल दिया। आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए इसे एक ही साइड को आपको फेंटना है, दोनों साइड को नहीं। अगर दोनों साइड को फेंटेंगे तो आपकी क्रीम अच्छी नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए इसे एक ही साइड को हमें बराबर चलाते हुए इस तरीके से, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा जब आप फेंटेंगे इसे। तो इसलिए इसमें अब थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो हाथों को थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए हाथों की और बराबर चलाते हुए फटाफट से इस तरीके से इसे फेंटते रहिए। जैसे कि हम जब हम दही बड़े बनाते हैं और दाल को फेंटते हैं उसी तरीके से बिल्कुल इसे फेंटना है। जैसे ही फेंटेंगे आप, फेंटते फेंटते ये फूल जाएगी और ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि ये किस तरीके की हो जाएगी। तो ये देखिए फाइनली हमारी क्रीम बिल्कुल लाइट वेट हो चुकी है और अच्छे से फूल भी गई है। तो ये तैयार है अब हमारे नान खटाई के मिक्सर को बनाने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी फ्लफी हो गई है। तो अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हैवी थल्ली की कढ़ाई ली है और इसमें रख दिया है ये वाला स्टैंड, स्टील का ये स्टैंड नॉर्मली हम सभी के घर में होता है। तो ये स्टैंड रख देना है, इसमें ना ही कुछ नमक डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिंपली इसे एक बर्तन से ढक देना है। जो बर्तन आपका बिल्कुल फिट आता हो आपकी कढ़ाई पर, प्लेट या ढक्कन कुछ भी, उससे आपको इस तरीके से बंद कर देना है। गर्म होने के लिए कढ़ाई को रख देना है फुल गैस पर। तो जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, जिस कटोरी से घी और चीनी ली थी उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा डाल दिया मैंने। तो मैदा मेरी ऑलरेडी छनी हुई है तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक से डेढ़ चम्मच बेसन और उसको इस तरीके से छान लूँगी क्योंकि बेसन में हल्के से लम्स होते हैं तो इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए बेसन हमने छान लिया है। अब हम ले लेंगे दो चम्मच सूजी, एक याद रखिएगा, एक कटोरी मैदा, डेढ़ चम्मच बेसन और दो चम्मच सूजी। सूजी को भी हमने छान लिया है और अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने का सोडा भी यूज कर सकते हैं। खाने का सोडा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिए बेकिंग पाउडर से। अब इसे हम हाथ की हेल्प से जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें
उतना टाइट नहीं गूंथना है, बिल्कुल लाइट लाइट हाथ से हमें इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, तो इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें ज़्यादा जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे इस तरीके से मल लेना है। जब आप इस तरीके से नान खटाई बनाएंगे तो ना ही तो आपके बर्तन बिल्कुल भी जलेंगे। कुकर में नमक डालकर जब बनाते हैं तो हमारे बर्तन काले हो जाते हैं, तो जब इस तरीके से आप बनाएंगे ना ही तो आपकी प्लेट जलेगी, ना ही आपकी कढ़ाई जलेगी, और नान खटाई भी आपकी बिल्कुल ओवन के जैसी परफेक्टली बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट डो हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से इसे हाथ की हेल्प से चिकना सा कर लेना है हल्का सा। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गए हमारे सारे सामान। तो अब हमने ले ली है एक प्लेट, प्लेट पर लगाएंगे हम फॉइल पेपर, सिल्वर फॉइल पेपर जो आता है वो हमें लगाना है, ये सभी के घरों में होता है नॉर्मली, तो ये ले लेना है और इस तरीके से प्लेट पर अच्छे से लगा देना है। अब इसमें हल्की सी लगा देंगे हम चिकनाई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी ले लिया है मैंने, थोड़ा सा देसी घी इस तरीके से चारों तरफ फैलाकर लगा दूंगी। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं हम अपनी नान खटाई की शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चम्मच की हेल्प से इस तरीके से जिस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें लड्डू सा बनाना है, और इस तरीके से हल्का सा हाथ से प्रेस करना है, और बीच में आप इसमें रख सकते हैं बादाम या पिस्ता जो भी आपके पास है वो रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे नान खटाई की शेप दे दी है, इसे ज़्यादा नहीं फैलाना है क्योंकि जब ये बेक होगा तो खुद ही ये हल्का सा शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें इस तरीके से लड्डू वाली शेप में ही इसको बनाना है और रख देना है। तो ये थोड़े थोड़े गैप से रखिएगा क्योंकि ये जब पकेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे और इन्हें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। तो मेरे थोड़े से ज़्यादा बन गया है, ज़्यादा नहीं सिर्फ दो एक्स्ट्रा बने थे तो इसलिए मुझे स्पेस ज़्यादा देने के लिए जगह नहीं मिल पाई है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिए हैं, आप देखिए हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब इसमें रख देंगे हम अपनी प्लेट, प्लेट रखने के बाद 2 से 3 मिनट तक गैस फुल रखिए और उसके बाद बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए। तो यहाँ पर प्लेट रख दिया मैंने और गैस को कर दिया है बिल्कुल सिम। और अब इसे ढक देंगे हम, तो अब इसे पकने देंगे कम से कम, आप घड़ी में टाइम देख लीजिए, तो इसे आधा घंटे तक बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। बीच में एक बार चेक कर लेना है। तो ये देखिए हमारी नान खटाई कितनी फूल गई है, तो ये आपस में हल्की सी मेरी, क्योंकि ज़्यादा थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी 2 नान खटाई एक्स्ट्रा हो गई हैं तो इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं मिल पाया था, बट ये छूट जाएंगी आराम से, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बनाइएगा तो थोड़ी दूर दूर ही रखिएगा उन्हें। तो ये देखिए अब हमारी नान खटाई परफेक्टली तैयार हो गई है, आपको दिख रहा होगा कलर भी इसका गोल्डन हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और ये देखिए ये अच्छे से कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन होकर सिकी है, बिल्कुल भी जली नहीं है। तो जब ये गर्म गर्म रहेगी तो हल्की सी सॉफ्ट रहेगी, तो आप डरिएगा मत कि नान खटाई बिगड़ गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी नान खटाई बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है, देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मार्केट जैसे ही इसमें होल से बने हुए हैं। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके की मेरी नान खटाई तैयार हुई है। तो आप सभी भी ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोर करने के लिए ठंडी होने के बाद एक डब्बे में कर दिया, तो ये देखिए मैं तोड़कर दिखा देती हूँ
कितनी अच्छी हमारी नान खटाई तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी, बिना ओवन के, बिना जले। मेरे बर्तन भी बिल्कुल नहीं जले हैं और बहुत ही अच्छी सी हमारी नान खटाई तैयार हो गई है। तो आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।